गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आप साथ करता हूं अपचद और टेक में। गाइस आप लोग बताने वाला हूं कि सैमसंग के किसी भी मोबाइल में आप कैसे ऐप लॉक कर सकते हैं। जी हां गाइस, इस बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। क्या होता है कि आपके किसी भी मतलब ऐप में आप मान लीजिए कोई प्राइवेट चीज़ है या फिर आप चाहते हैं कि ये मेरा कोई ना देखे, तो आप उस ऐप को कैसे लॉक कर सकते हैं सैमसंग के मोबाइल में। जी हाँ गाइस, सैमसंग के मोबाइल में अगर आपको बताने वाला सैमसंग गैलेक्सी J7 या फिर J सीरीज के कोई से मोबाइल हो या सैमसंग के सभी मोबाइल में सेम सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि सैमसंग के किसी भी मोबाइल में आप किस प्रकार से ऐप लॉक कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं कि मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ गया हूं। गाइस ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी J7 मोबाइल है, ठीक है। तो आपका कोई सा भी सैमसंग का मोबाइल हो उसमें सेम ही सारे प्रोसेस होते हैं। तो ठीक है, आपको किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए आपको अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सेटिंग का ऑप्शन है। आपके मोबाइल में जहाँ कहीं भी सेटिंग का ऑप्शन हो आपको उस पर चले जाना है, ठीक है। इस पर आपको चले जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, या तो आप उसको ढूंढ भी सकते हैं पर ढूंढने में थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, आपको इस सर्च बार में चले जाना है एंड इस पर आपको लिखना है लॉक एंड मास्क ऐप, ठीक है। लॉक एंड मास्क ऐप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ गए, तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लॉक एंड मास्क ऐप का एक ऑप्शन है, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे पैटर्न लगा रखा है तो आप यहाँ पे आप पैटर्न अपना डाल दीजिएगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो आपको यहाँ पे ऑफ दिखेगा सेटिंग, ठीक है। तो यह जो आपको सेटिंग दिख रही है यहाँ पे आपको ऑफ दिखेगा, आपको सबसे पहले इसको ऑन कर लेना होगा एंड आपको जो भी पैटर्न लगाना होगा आप इसको सेट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे अपना पहला पैटर्न डाल लेता हूँ। जो भी लॉक है आप इस पर डालने का आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे कुछ भी लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लॉक ऐड करना है ऐप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गाइस विदाउट किसी ऐप, आपको बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के यूज़ के यहाँ पे आप अपना कोई सा भी ऐप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक्ड ऐप का एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 ऐप्स अभी लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड का, ठीक है। तो आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। किसी भी ऐप को लॉक करने का सैमसंग के मोबाइल में यही तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए मेरे को जो भी ऐप मेरे को लॉक करना है मैं पहले उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, मेरे को एक ये करना है एंड एक ये एंड ये कर लेना है, ठीक है। एंड बस मेरे को ये 3 ऐप जो है अभी लॉक करने हैं। तो ये आपको कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ऊपर डन का ऑप्शन दिख रहा है, राइट हैंड के टॉप में आपको एक डन का ऑप्शन दिख रहा है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 3 ऐप जो है यहाँ पे लॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं अपना होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ एंड गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना यूट्यूब में लगा दिया है। अब मेरा यूट्यूब जैसे ही ओपन करूँगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अब लॉक मांगेगा एंड YT स्टूडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड IPP मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है इसमें भी है। तो आप ये देख सकते हैं आप सैमसंग या किसी मोबाइल में बड़ी आसानी से लॉक कर सकते हैं किसी भी ऐप को। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आप सैमसंग मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक करना सीख गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।